गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई होप यूल आर गुड एंड हेल्दी वेलकम टू द डेली करंट अफेयर ओरिएंटेड क्लासेस बाय सिद्धि परीक्षा सो आई होप आप वीडियोस देख रहे हो अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग्स बिकॉज ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर सी यू सी टी एग्जामिनेशनस ठीक है वीडियोज़ देखते रहिए रिवाइज करते रहिए ठीक है सी यू सी टी एग्जामिनेशन है निकल जाएगा ओके सो आज को एक स्टार्ट को क्लास स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं क्विक रिविजन ले लेते हैं कि बेसिकली हमने कल क्या किया था राइट सो कल हमारी सेकेंड पार्ट था कौन से अवॉर्ड्स चैप्टर का और कल तक हमने क्या कर लिया था नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में किसको मिला है वहां तक हम पढ़ चुके थे ठीक है एक ही वीडियो में हमने फिजिक्स का मतलब एक ही वीडियो में हमने नोबेल प्राइज इसीलिए ख़त्म नहीं किया था क्योंकि नोबेल प्राइज़ बहुत ही बड़ा प्राइज़ है अपने आप में जिसके अंदर अगेन इनिशियली पांच फील्ड आती हैं और एक एडिशनल फील्ड जो 1968 में स्टार्ट हुई थी जो इकोनॉमिक साइंस में मिलती है वो अलग से ठीक है सो so, एक नोबल प्राइज़ अपने आप में बड़ी चीज़ है बट कल हमने फिजिक्स में देख लिया था कि फिजिक्स में कौन से तीन साइंटिस्ट को नोबल प्राइज़ मिला है और क्यों मिला है ये भी हमने देख लिया था ठीक है आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से कि केमिस्ट्री में नोबल प्राइज़ किसको मिला है वहां से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे ठीक है सो so, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहेगी एंड आज की क्लास में हम एवॉर्ड्स चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और इसके बाद एवॉर्ड्स चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा ओके सो क्लास को स्टार्ट करते हैं ग्रेट ये हम कर चुके हैं अब तक बुकर प्राइस भी हम कर चुके हैं राइट ये सब कुछ हम देख चुके हैं ये तीन ग्रेट पर्सनैलिटी थी जिनको फिजिक्स अवॉर्ड मिला था ये भी हम देख चुके हैं अब हम देखते हैं केमिस्ट्री सो केमिस्ट्री में किन को अवॉर्ड मिला है हमें तीन चीजें याद रखनी है केमिस्ट्री में कौन सी वो ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं जिनको अवार्ड मिला है पहली चीज राइट दूसरी चीज़ जो हमें याद रखनी है कि उनको अवॉर्ड किस वजह से मिला है दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ जो हमें याद रखनी है उनको अवॉर्ड देने वाली पीछे वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है क्योंकि नोबेल प्राइज़ दो जगह से मिलता है पहला उनको स्वीडिश स्वीडिश की तरफ से मिलता है अवार्ड दूसरा उनको नॉर्वियन की तरफ से मिलता है सो so, ये दो ऑर्गेनाइज करती हैं साथ के साथ हम पढ़ते जाएंगे ठीक है पर हमने पढ़ा था क्या कहते हैं फिजिक्स में तो हमने पढ़ा था कि जो फिजिक्स का प्राइज है वो किनोंने, किनोंने दिया था सेम सेम ने दिया था जिनको केमिस्ट्री का प्राइस देते हैं कि रॉयल सॉरी किन्ों दिया था वो वो दिया था कि उन्होंने रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने ही वो अवार्ड दिया था और सेम ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्ड देती है किसका केमिस्ट्री का राइट right? ग्रेट अब केमिस्ट्री में किन को अवार्ड मिला फिजिक्स में कितने साइंटिस्ट को अवार्ड मिला था तीन को राइट right? और आई होप कि जो कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था आपने उसका आंसर किया है नीचे वाली वीडियो में ठीक है आंसर मैं बता देता हूं मैंने कल पूछा था कि भारत रत्न में हमें कैश प्राइज मिलता है या नहीं क्योंकि साहित्य अकेडमी अवार्ड में हमें वन लैख का कैश प्राइज मिलता है राइट right? सो so, नहीं भारत रत्न में कोई भी मॉनेटरी फंड नहीं मिलता राइट right? तो जिन जिन्होंने गलत उसमें कमेंट बॉक्स में गलत लिखा है कि हमें पैसे मिलते हैं सो हमें पैसे नहीं मिलते ठीक है कैश प्राइज साहित्य अकेडमी अवार्ड में मिलता है भारत रत्न में कोई भी कैश प्राइज़ नहीं मिलता बैक टू दिस टॉपिक फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ तीन ग्रेट साइंटिस्ट को मिला था सिमिलरली केमिस्ट्री में भी जो अवार्ड है वो तीन ग्रेट साइंटिस्ट को मिला है वो उनके नाम क्या है पहले फ्रांस से साइंटिस्ट पहले मैं बता दे रहा हूं कि साइंटिस्ट कहां से बिलोंग करते हैं ये जानना जरूरी नहीं है बट साइंटिस्ट कौन है ये जानना जरूरी है ठीक है, है? साइंटिस्ट का मेन नाम क्या है सो so, केमिस्ट्री में पहले साइंटिस्ट है मोंगी मोंगी जी बवेंडी आप नाम्स को तोड़ के याद रख सकते हो मोंगी जी बवेंडी पहले साइंटिस्ट है जो कि फ्रांस है। से हैं दूसरे साइंटिस्ट रशिया से हैं उनका नाम क्या है एलेक्सी एलेक्सी अलेक्सा से याद रख सकते हो हे hey एलेक्सा याद है ना हे एलेक्सा अलेक्सा से याद रख सकते हैं हे एलेक्सा एलेक्सा मतलब कि कोई के साइंटिस्ट है उनको मिला है नोबेल प्राइज किस में मिला है केमिस्ट्री को मिला है ठीक है सो एलेक्सी एलेक्सी ई ई अलेक्सीमोव ये है रशिया से तीसरे साइंटिस्ट कौन से हैं उनका नाम है लुइस लुइस एक बहुत ही ज्यादा कॉमन नेम है ये आई थिंक आप हमें इसके लिए आपको कोई भी नोमोनिक्स नहीं चाहिए राइट लुइस ई ब्रूस ये है तीसरे साइंटिस्ट ये तीन साइंटिस्ट हैं इनको अवॉर्ड क्यों मिला है इनको अवॉर्ड इसीलिए मिला है क्योंकि इन्होंने केमिस्ट्री के अंदर क्वांटम डोट्स के ऊपर काम किया है इतना याद रख लो इससे बाहर मत याद रखो क्या किया है सिंथसिस की है क्वांटम डोट्स की ये सब याद नहीं रखना इन थ्री साइंटिस्ट ने क्वांटम डोट्स के ऊपर काम किया है केमिस्ट्री के अंदर इसलिए इनको नोबल प्राइज़ मिला है नोबल प्राइज़ देने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है रॉयल स्वीडिश अकेडमी

पहली है हंगरी से एक वुमेन है उन वुमेन का नाम क्या है कैटलिन इरिकोव ये है वो वुमेन जो कहाँ से हैं हंगरी से हैं और ये जो है वाइस इनका नाम है वाइस मैन वाइस मैन से आप याद रख सकते हो कि हाँ कभी कभी क्या होता है ना कि दो नेम्स होते हैं एक सर नेम पीछे वाला होता है एक फ्रंट नेम होता है कभी कभी होता है कि फ्रंट नेम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बट लास्ट नेम आसान है तो आप लास्ट नेम से याद रख लीजिए ठीक है सो so, इनका लास्ट नेम क्या है ड्रू इनका नाम ड्रू वाइस मैन है यूएसए के सो एक बहुत ही ज्यादा वाइस मैन है यूएसए के और उन्हें, उन्हें वाइस मैन ने क्योंकि वो इतने ज्यादा वाइस हैं कि उन वाइस मैन ने मेडिसिन में काम किया है उन्होंने क्योंकि इनको मेडिसिन में अवार्ड पता क्यों मिला कोविड नाइनटीन की वजह से मिला है ये देखो कोविड नाइन्टीन इन्होंने कुछ ऐसी वैक्सीन बनाई थी कुछ ऐसी म्यूटेशन बनाई थी कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन कराई थी कोविड नाइनटीन वैक्सीन को लेके ठीक है सो ये वाइस मैन यूएसए से है और ये वुमेन जो है कैटालीन ये कैटलिन कहां से हंगरी से हैं ठीक है इन दोनों ने मिलकर मेडिसिन के ऊपर काम किया था कौन सा काम था मेडिसिन के ऊपर कि इन्होंने डिस्कवरी करी थी रिलेटेड टू न्यूक्लियोसाइड बेस मोडिफिकेशन जिन्होंने अनेबल किया था डेवलपमेंट ऑफ द इफेक्टिव एमआरएनए ए वैक्सीन अगेंस्ट दी कोविड और ये जो नोबल प्राइज मेडिसन से रिलेटेड इसको कौन देती है अगेन रॉयल स्वीडिश अकेडमी ही अवार्ड देती है सो so, तीन अवार्ड पढ़ चुके हैं जिनको कौन दे रही है और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ही दे रही है फिजिक्स को भी केमिस्ट्री को भी मेडिसिन को भी आई होप ये आपको समझ आया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप राइट ये हंगरी से वुमेन है यूएसए से वाइस मैन है आगे चलते हैं फोर्थ जो हमारे पास नोबेल प्राइज आता है वो किसको लेके आता है फोर्थ प्राइज हमारे पास आता है किसको लेके लिटरेचर को लेके कि लिटरेचर का वर्क भी तो देखो या चलो ठीक है आप नोबल प्राइज दे रहे हो आप नोबल प्राइज दे रहे हो फिजिक्स में आप नोबल प्राइज दे रहे हो के, केमिस्ट्री में आप नोबल प्राइज दे रहे हो मेडिसिन में ठीक है साइंटिस्ट को तो आपने बहुत सारे अवार्ड दे दिया पर नोबल प्राइज़ कुछ ऐसा भी तो रखो जो साइंस से हटके हो तो हाँ साइंस से हटके भी है लिटरेचर वर्ग के ऊपर भी नोबल प्राइज मिलता है किनको मिला इस बार नॉर्वे से ये है इनका नाम है जोन जोन एक बहुत कॉमन नाम है ठीक है जोन विक अगर आपने मूवी देखी हो बहुत फेमस मूवी है तो उस मूवी से याद रख सकते हो कि जोन विक मूवी से याद रख सकते हो कि हाँ जोन है जोन को क्या मिला था लिटरेचर पे नोबेल प्राइज़ मिला था ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के अंदर पूरा नाम इनका क्या है जोन फोसी जोन जॉन फोसी है लिटरेचर के लिए इनको मिला है और अवॉर्ड देने वाले कौन है अगेन रॉयल स्वीडिश अकेडमी अगेन कौन है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ही है जिनको इन्होंने अवॉर्ड दिया है ये है हमारे पास जोन है जोन उसके बाद हम आगे चलते हैं पीस प्राइज के ऊपर लास्ट फॉर्मल पांच नोबेल प्राइज का फिफ्थ जो ब्रांच है वो है पीस सो so, इस बार जो 2023 में नोबेल पीस प्राइज मिला है वो मिला है एक ईरान की वुमेन को वो देखो उनकी इमेज ये है ठीक है वी दिखा रहे हैं ये स्टेसेफ और इनका नाम है नरगिस इनका पूरा नाम क्या है नरगिस इनका नाम है नरगिस मोहम्मदी इनका पूरा नाम है नरगिस मोहम्मदी वेट अ सेकेंड Yeah. इनका नाम है नरगिस मोहम्मदी ये कहाँ से हैं ईरान से हैं इनको ये अवार्ड क्यों मिला है क्योंकि ईरान में वुमेन को लेके थोड़ा स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड सा था तो इन्होंने अपनी तरफ से फाइट करी है अगेंस्ट दी ऑपरेशन जो था वुमेन फेस करती थी कहाँ में ईरान के अंदर करती थी और इन्होंने ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने में क्या दिखाई है वो दिखाई है तो ये इन्होंने एक सोशल वर्क किया है ये एक चट्टान की तरह खड़ी हुई है किन के लिए जो ऑपरेशन जो एक वुमेन ऑपरेशन फेस करती थी कहाँ पे ईरान के अंदर तो इसीलिए इनको सम्मानित किया गया है ट्वेंटी के नोबल पीस प्राइज से अगेन नोबल पीस प्राइज कौन देता है स्वीडिश अकेडमी नहीं नोबल पीस प्राइज देने वाली अकेडमी है नोर्वियन नोबल कमेटी स्टार मार्क याद रखना नोबल प्राइज फिजिक्स केमिस्ट्री लिटरेचर मेडिसन को देने वाली कौन सी थी रॉयल स्वीडिश एकेडमी और नोबल पीस प्राइज देने वाली एकेडमी कौन सी है नोर्जियन नोबल एकेडमी ग्रेट लास्ट चलते हैं इसके बाद नोबल प्राइज खत्म हो जाएगा सो so, नोबल प्राइज मैंने बोल रहा था कि नाइनटीन सिक्सटी एट के अंदर जो नोबल प्राइज था इसकी एक नई ब्रांच लगी थी जो कि फॉर्मली तो इसमें ऐड नहीं होती बट इनफॉर्मली जरूर ऐड होती है उस प्राइस का नाम है जो इकोनॉमिक साइंस में मिलता है सोवरजीज सेवरजीज रिस्क बैंक प्राइस है इकोनॉमिक्स के ऊपर इस बार किसको मिला है 2023 में क्लोडिया गोल्डन को ठीक है क्लोडिया गोल्डिन को मिला है, जो कि यूएसए से हैं ये क्लोडिया गोल्डिन इनको इकोनॉमी में मिला है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था इन्होंने इकोनॉमिक के अंदर ऐसी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी किसके ऊपर वुमेन लेबर मार्केट आउटकम्स के ऊपर ठीक है हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि वुमेन लेबर वुमेन देखो लेबर सर्वे होता है वो वो ये भी निकालता है कि वुमेन की कितनी पार्टिसिपेशन है किसी भी वर्कफोर्स में ठीक है सो so, उसी एंगल को क्रिएट करने के लिए इन्होंने एक अलग अपनी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डाल ली है वो कौन सी अंडरस्टैंडिंग है नहीं जानना पर इन्होंने किसके लिए इनको नोबल पीस प्राइज नोबल इकोनॉमिक्स का प्राइज मिला है कि इन्होंने वुमेन लेबर मार्केट मार्केट आउटकम्स के ऊपर अपनी एक अंडरस्टैंडिंग जनरेट की है अगेन ये प्राइज देने वाली कौन है रॉयल स्वीडिश अकेडमी डन नोबल प्राइज़ हो गए फिजिक्स में केमिस्ट्री में मेडिसिन में लिटरेचर पीस प्राइज में और सरविज रिस बैंक इकोनॉमिक साइंस में भी हो गया इसी के साथ हमारा यहाँ पे नोबल प्राइज हो जाता है खत्म अब चलते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर ठीक है बहुत हो गया हमने सिविलियन अवार्ड्स पढ़ लिए हमने लिटरेचर अवार्ड्स पढ़ लिए भैया हमने एक ए, फ्रेंच का भी हाई सिविलियन अवार्ड पढ़ लिया उसके बाद हमने नोबल प्राइज़ भी पढ़ लिया बहुत हो गए सब कुछ कुछ ऐसा टॉपिक उठाते हैं जो कि आपके लिए भी इंटरेस्टिंग हो ठीक है सो so, अब स्टार्ट करते हैं हम कौन सा टॉपिक अब हम स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स के अवार्ड्स का टॉपिक ये इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि स्पोर्ट्स में तो सबका ध्यान जाता है पीटी पीडियड के लिए तो सब वेट करते हैं ना सो so, स्पोर्ट्स का स्टार्ट करते हैं अब हम वेरियस स्पोर्ट्स लेंगे स्पोर्ट्स वाइज लेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे फुटबॉल में कौन जीतता है कोई इंपॉर्टेंट फुटबॉल का कौन सा प्राइज है किसको मिला है उसके बाद जाएंगे टेनिस कप में उसके बाद हॉकी पे जाएंगे उसके बाद क्रिकेट पे जाएंगे ऐसे 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 हम पढ़ेंगे ठीक है सो so, सबसे पहले हम देखते हैं फुटबॉल के ऊपर <coughs> फुटबॉल की बात करें जैसे कि क्रिकेट की बात करें विराट कोहली का नाम ना सो so थोड़ा फीका लगता है वो ऐसे ही अगर फुटबॉल की बात करें और मैसी की बात ना हो सो so, अपने आप में वो ना तो क्लास पूरी होती है ना ही वो पिपटी बनती है सो फुटबॉल के अंदर आठवीं बार ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं जब हम स्पोर्ट्स की न्यूज पढ़ रहे थे पर यह अवार्ड्स में भी हम एक बार कर लेते हैं कि लियोनेल मेसी को इस बार एर्थ टाइम ऐसा हुआ है कि इनको क्या मिला है इनको सोने की बॉल मिली है सोने की फुटबॉल और उस सोने की फुटबॉल का क्या नाम होता है उस सोने की फुटबॉल को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको बैलोंडियोर इनको मिला है बैलोंडियोर अवार्ड सो so, हम पहले, हमने पहले सिर्फ इतना पढ़ा था कि जो बेलुंडियोर अवार्ड है वो किसको मिला है वो मिला लियोन मैसी को आठ बार मिल चुका है तो सात के साथ ये रहे लियोन मैसी साथ के साथ हम ये भी देख सकते हैं कि फीमेल में बेलोडियोर अवार्ड किसको मिला है जरूरी नहीं एग्जामिनेशन लियोन मैसी के बारे में ही पूछेगा एग्जामिनेशन में यह भी आ सकती है कि ब, कि बेलोडियोर अवार्ड इन दी फीमेल फीफा किसको मिला है उसको जीतने वाली वुमेन का नाम है वो वो वुमेन उस उस वुमेन का नाम है क्या नाम है अतियाना बोनामाटी ये कहाँ से है ये बार्सिलोना स्पेन से ही है ठीक है ये बार्सिलोना स्पेन से ही है इनका नाम क्या है अतना ए आई टी ए एन अतना बोनामाटी ठीक है अब इनको ये अवार्ड मिला है इनको ये अवार्ड क्यों मिला है इनको अवार्ड मिला है क्योंकि ये बेस्ट फीफा प्लेयर रहे हैं अपनी अपनी टीम से सो ये देख लेते हैं कि जो बेस्ट फीफा मेल प्लेयर रहे अलियोन में ऐसी इसीलिए इनको मिला है ब्लॉन्डी अवार्ड उसके बाद रही है बेस्ट फीफा वुमेन प्लेयर कौन रही है अतीना बोना माटी इसलिए इनको मिला है वो अवार्ड ठीक है उसके बाद एक और अवार्ड देख लेते हैं कि जो फीफा फेयर प्ले अवार्ड मिला है वो ब्राजील को मिला है फेयर प्ले मतलब बिना लड़े लुड़े बिना झगड़ा किए हम बिल्कुल फेयर खेल रहे हैं बिल्कुल हम एकदम ईमानदारी से खेलेंगे तो ये वाला अवार्ड किसको मिला है ब्राजील को मिला है ठीक है नीचे मैंने वही लाइन मैंशन किया कि मैसी को इस बार ये एट्थ अवार्ड मिला इससे पहले सात बार वो बैलोंडी अवार्ड जीत चुके हैं ग्रेट आगे चलते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टेनिस के बारे में बहुत से कम लोग होंगे जिनको टेनिस के बारे में पता होगा ओल्दो अगर आप टेनिस खेलते हो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है राइट जैसे कि मेस्सी फुटबॉल के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है विराट कोहली क्रिकेट के बहुत ही ज्यादा प्लेयर है इंपॉर्टेंट ऐसे ही ये इनका नाम है नोवैक की नोवैक इनका नाम है नोवैक डिजोकोविक इनका नाम है नोवैक डिजोकोविक ये टेनिस लाइन के बहुत ही ज्यादा बड़े प्लेयर हैं अगर आपको कहीं से इंस्पिरेशन लेनी है तो आप इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि कैसे अगर आप सालों साल हार रहे हो और उसके बाद आपका जो कम हो वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि ये एर्थ बार इस बार मिला है क्या इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की तरफ से ये अवार्ड मिला है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के अवार्ड से अवार्ड मिला और ये जो है प्लेयर हमारे पास नोवैक डिजोकोविक ये आठ बार ये अवार्ड जीत चुके हैं आठ बार मेसी ने आठ बार बैलोन डी और अवार्ड जीता है फुटबॉल वाला ऐसे ही टेनिस के अंदर जो ये इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड देती है 2023 का किन को मिला है नोवैक डिजोकोविक को मिला और ये अवार्ड इनको पहली बार नहीं आठ बार मिल चुका है सो ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है स्टार मार्क वाली ये बात मैंने आपको स्पोर्ट्स न्यूज में भी बताई थी कि यूएसए ओपन ऑस्ट्रेलिया ओपन सारे के सारे अवार्ड जीतने वाले कौन थे डिजोकोविक थे तो यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है और इस बार सिर्फ इनको ही नहीं ये जो ये वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड है सिर्फ इनको ही नहीं इनके साथ साथ एक और पर्सनैलिटी का मिला है उनका नाम भी आपको याद रखना है उनका नाम है अरियाना सेबलिंका। अरियाना सेबलिंग उनका नाम है सो दो पर्सनैलिटीज है नोवैक डिजोकोविक और अरियाना हरियाणा सेबलिंग का उनको भी अवार्ड मिला अवॉर्ड कि उन्होंने दिया है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने दिया है नेक्स्ट चलते हैं उसके बाद चलते हैं हम अगले पे अगला हमारे पास आता है अवार्ड ये एक अवार्ड नहीं है ये है कि आप एक इंपॉर्टेंट टेनिस प्लेयर रहे हैं बहुत अच्छी बात है आप ऐसे इंपोर्टेंट टेनिस प्लेयर रहे हैं कि आपको होलो फ्रेम में ऐड कर दिया गया जैसे होलो फ्रेम क्रिकेट का होता है हमने पढ़ा कि होलो फ्रेम क्रिकेट है उसमें वीरेंद्र सहवाग को ऐड किया गया सिमिलरली ऐसे ही जो होलो फ्रेम टेनिस का होता है उसके अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि, कि किसी इंडियन को ऐड किया है और इनको ऐड करने के बाद क्या हुआ है कि इंडिया ऐसी ट्वेंटी कंट्री बन गई है जिनके किसी प्लेयर को टेनिस होलो फ्रेम में ऐड किया है मैं पहले भी आपको बोला था कि अगर अवॉर्ड्स के बारे में पढ़ो तो पढ़ो बहुत अच्छी बात है बट अगर उस एवॉर्ड्स के बारे में पढ़ के इंडिया इन्वॉल्व हो रहा है सो तो वो अवार्ड्स आपके लिए और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं क्योंकि सी यूसी एग्जाम आप इंडिया में ही दे रहे हो ना सो तो अपने देश की न्यूज के बारे में तो पता आपको होना ही चाहिए ठीक है सो इंटरनेशनल ऑफ फ्रेम में इस बार हुआ है ऐसा कि इंडिया के दो टेनिस प्लेयर को वहां पर ऐड किया गया पहले पहले वाले का नाम है लियेंडर पीस पहले के नाम है लियंडर पीस लियंडर पीस ये है ये लियंडर पीस है दूसरे वाले का नाम है विजय अमृतराज ये विजय अमृतराज है सो विजय अमृतराज जी को और लियंडर पीस को दोनों का टेनिस होलो फ्रेम ऐड किया इनको ऐड करने के बाद इंडिया ट्वेंटी एथ्थ ऐसी कंट्री बन गई है मतलब पहले ट्वेंटी सेवन्थ कंट्री के टेनिस प्लेयर थे जिनका नाम होलो फ्रेम में था ट्वेंटी कंट्री इंडिया बन गई है जिनके जिनके प्लेयर होलो फ्रेम किस में टेनिस के होलो फ्रेम में एड हो चुके हैं बहुत अच्छी बात है उसके बाद आगे चलते हैं उसके बाद हम हॉकी फेडरेशन देख लेते हैं राइट हॉकी फेडरेशन देखते हैं क्लास को वाइंड अप करते हैं यहीं पर ठीक है हमने स्पोर्ट्स के अवार्ड्स में इंपोर्टेंट फुटबॉल के अवार्ड्स देख चुके हैं हम इंपोर्टेंट किसके टेनिस के अवार्ड देख चुके हैं हम इंपोर्टेंट फुटबॉल के अवार्ड देख चुके हैं हम इंपोर्टेंट हॉकी के अवार्ड देखते हैं ऐसे ही कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट क्रिकेट के अवॉर्ड क्योंकि क्रिकेट के कुछ थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है राइट तो हम कल इंपोर्टेंट क्रिकेट के अवार्ड देखेंगे अभी देख लेते हैं कि हॉकी में किसको मिला है सो हॉकी में जो बेस्ट बेस्ट फीफा प्लेयर मेल कौन थे मैसी ऐसे ही हॉकी के अंदर जो बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड मिला है वो इंडिया के प्लेयर को मिला है उनका नाम है हार्दिक सिंह ये हमारे हार्दिक सिंह इंडिया के सो so, इन हार्दिक सिंह जी को बेस्ट हॉकी का मिला। ही में किसको मिला है बेस्ट प्लेयर ऑफ वो एक नीदरलैंड नीदरलैंड के वुमेन है इनका नाम ये है वो वुमेन जिनको बेस्ट हॉकी प्लेयर का अवार्ड मिला है इनका नाम है जेनडीवार वुमेन का नाम है ठीक है उसके बाद ये जो अवार्ड मिला इनको ठीक है उसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट अवार्ड आता है हॉकी फेडरेशन का लास्ट जो अवार्ड आता है वो होता है कि अगर मेल हॉकी बेस्ट प्लेयर हैं हार्दिक सिंह और फीमेल को बेस्ट हॉकी अवार्ड कौन से नीदरलैंड से है, ऐसे ही जो बेस्ट गोलकीपर अवार्ड मिला है 2023 का वो दोबारा से किसको मिला है एक इंडियन को मिला है और इनका नाम क्या है सविता पुनिया तो सविता पुनिया जी हॉकी के बहुत ही इंपॉर्टेंट गोलकीपर है जिनको बेस्ट गोलकीपर अवार्ड मिला 2023 का नाम है सविता पुनिया इंडिया से है इसका नाम याद रखना और ये इनको अवॉर्ड पहली बार नहीं मिला है ये तीसरा ऐसा कॉन्जिक्यूटिव ईयर है कि इनको ये अवॉर्ड मिला है ठीक है सो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई है आज की क्लास में वी हैव कंप्लीटेड नोबल प्राइज एकदम खत्म से और स्पोर्ट्स के अवार्ड हमने स्टार्ट कर दिए स्पोर्ट्स के अवार्ड्स में हमने तीन इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं <shiftube> फुटबॉल के बारे में टेनिस के बारे में पढ़ चुके हैं और साथ के साथ हॉकी के बारे में पढ़ चुके हैं कल की क्लास को स्टार्ट करेंगे क्रिकेट से और कल की क्लास में अवार्ड चैप्टर खत्म कर देंगे ठीक है और एक बात और क्लास को वाइंड अप करने से पहले कि जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिपोर्ट्स के बारे में और इन के बारे में हमने इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसिस की हुई हैं अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंट रिपोर्ट्स के बारे में इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स कौन सी है उन रिपोर्ट्स में इंडिया की रैंकिंग किस इंडिया की रैंकिंग क्या है उन रिपोर्ट्स में टॉप रैंकिंग में कौन सी कंट्री रही है ठीक है वो उसको हम लेके चलेंगे मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में हम रिपोर्ट्स का चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे इसी के साथ ठीक है सो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई है स्टे सेफ स्टे हेल्दी थैंक यू वीडियोस को देखते रहिए और साथ के साथ अपनी तैयारी करते रहिए बाय बाय